स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बार आपके सामने हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो फिजिक्स का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आज अपना जो टॉपिक है वो ये है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अर्थात जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी है, वो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक क्यों होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको बताते चलें, जो अमीटर होता है, जी हाँ, जो प्रत्यावर्ती अमीटर होता है वह प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को अर्थात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को सीधे एम्पियर में मापता है। जिस तरीके से देखिएगा, हमने लिख दिया है प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है उसको हम प्रकट करते हैं IRMS से। ठीक इसी तरीके से जो प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर होता है, जी हाँ, जो प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को सीधे वोल्ट में मापता है। यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है उसको हम प्रकट करते हैं VRMS से। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं यदि समान वोल्टता की जैसे कि 220 वोल्टेज की यदि हम प्रत्यावर्ती धारा लें और 220 वोल्टेज की ही हम दिष्ट धारा लें, तो यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है VRMS वो होता है V0/√2, और इसमें जो V0 है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। यदि हम इससे V0 बराबर निकालें तो V0 बराबर हो जाएगा VRMS/√2 देखिएगा। और हमने धारा वोल्टता कितनी मानी है प्रत्यावर्ती धारा की, 220, तो इसकी जगह हम रखते हैं 220 × √2, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 220 × 1.414, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 22 = 88, 22 × 22 = 30, और 22 × 88 = 91, और 22 ये हो जाएंगे 31, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। यानी कि जो V0 है, शिखर मान है, वो आपका हो गया है 311.08 वोल्ट के बराबर। इससे एक बात डियर स्टूडेंट्स स्पष्ट हो गई कि जो प्रत्यावर्ती धारा इस तरीके से अल्टरनेट चलती है प्लस माइनस, तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है वो एक बार प्लस 311 वोल्ट होती है और दूसरी बार दूसरी दिशा में माइनस 311 वोल्ट तक चेंज होती है। इसीलिए ये है 311 प्लस 311 और माइनस 311, ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान, शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू, और जबकि वोल्टेज थी कितनी, 220 वोल्ट। और जो दिष्ट धारा होती है डियर स्टूडेंट्स वो रहती है 220 वोल्ट ही, और प्रत्यावर्ती धारा जो होती है जो 220 वोल्टता की है वो प्लस 311 वोल्ट और माइनस 311 वोल्ट के बीच में चेंज होती है। इसीलिए जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो दिष्ट धारा की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होती है, और अगर देखा जाए तो कितनी खतरनाक होती है, √2 गुना, यानी कि 1.414 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।